जी हाँ, तो आज की सबसे बड़ी खबर पर भी टीवी 9 भारतवर्ष की रहेगी नजर। और इस मीटिंग में, इस मुलाकात में किस पर रहने वाला है फोकस? पहला ये कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करना है, इसको लेकर दोनों बड़े नेताओं के बीच होगा मंथन। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना भी इस मीटिंग का एजेंडा है, इस पर भी फोकस रहेगा। बदलता वर्ल्ड ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। सुरक्षा, शांति और लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की मजबूती पर भी मंत्रणा होगी। वहीं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर भी दोनों नेताओं के बीच होगी चर्चा। और यही वजह है कि आज की ये मीटिंग बहुत अहम है कई मायनों में। ऐसे वक्त में जब 2+2 डायलॉग होना है, उससे पहले दोनों नेता मिलेंगे और आने वाली तमाम मीटिंग्स की रूपरेखा इस महामुलाकात में तय हो जाएगी। इस बीच इसी से जुड़े हुए एक और बड़ी खबर, मोदी बाइडेन मीटिंग पर व्हाइट हाउस से ये बड़ी खबर है, युद्ध पर भारत के स्टैंड पर बात कर सकते हैं बाइडेन। रूसी आयात पर भारत का रुख भी जानना चाहते हैं बाइडेन। और व्हाइट हाउस ने कहा कि मीटिंग से भारत अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, जो भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8:30 बजे दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच ये मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और उसी बीच में 8:30 बजे ये मीटिंग होगी। देखिए, पीएम मोदी से मुलाकात होनी है, प्रेसिडेंट बाइडेन क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को लेकर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के परिणाम और उसका असर क्या हो सकता है, युद्ध का परिणाम और क्या उसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही ग्लोबल फूड सप्लाई और बाजार, इस पर फोकस रहने वाला है। रूसी तेल एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर भारत का रुख क्या है, इसे समझने की कोशिश जो बाइडेन कर सकते हैं। और अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस पर, उसका क्या असर होगा और ग्लोबली उसके क्या असर पड़ने वाले हैं। तो 8:30 बजे ये मुलाकात होनी है। सबसे पहले बहल सर आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, 2+2 वार्ता और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, भारत के साथ कैसे अमेरिका के रिश्ते बदले हैं और बेहतर हुए हैं, मजबूत हुए हैं, ये हम सबने देखा है। लेकिन क्या भारत का स्टैंड इस युद्ध के बीच में इस मीटिंग पर कोई असर डालने वाला है या इस पर चर्चा की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देता है? देखिए, मीटिंग अमेरिका ने खुद रिक्वेस्ट की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल की जो मीटिंग है ये उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपने भी बताई है कि जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर में उसमें भारत का जो रुख है और भारत की जो स्टैंड अभी तक रही है उसको वो बदलने चाहेंगे। और खासकर जो रूपी रूबल ट्रेड है, जहां पे हम तेल की आयात उधर से कर रहे हैं, उस आयात का भी 2% से ऊपर तब भी जाने वाला नहीं है और हम अमेरिका से 11% लेते हैं, लेकिन तब भी वो चाहेंगे कि रूपी रूबल ट्रेड जो है हम आगे ना बढ़ाएं ताकि रशिया जो है आइसोलेट हो जाए। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण आज डिस्कस हो सकती है वो है इंडो पैसिफिक एरिया और चीन की जो पोजीशन है जो कंटेन करने के है। और चौथी चीज है साउथ एशिया के ऊपर, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका की जो सिचुएशन है उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज यहां कहना चाहूंगा, कि बार बार अमेरिकन्स हमको कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, बार बार परिणाम बोलते हैं। भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हमारे लिए प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। और अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता भारत को कि क्या स्टैंड रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सिन्हा साहब, शुरुआत अगर की जाए, डेप्टी एनएसए अमेरिका के भारत आते हैं, वो तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब वापस जाते हैं तो अमेरिका का जो रुख नजर आता है हमारे स्टैंड को लेकर, इस युद्ध में जो भारत ने स्टैंड लिया है उसे लेकर, उसमें जो तल्खी नजर आई इस मुलाकात में, उम्मीद है कि वो तल्खी कम होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बहुत ही साफ शब्दों में आउटलाइन कर दिया 6-point program जी, रशिया यूक्रेन के परिपेक्ष में उन्होंने 6-point program का उल्लेख किया है और वो की है समझौता का, शांति का। और जो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि डायलॉग ही एक मीनिंगफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत ये समझौता, शांति लाई जा सकती है। दोनों देशों को अब या बीच के देशों को इम्पॉर्टेंट रोल अदा करके नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठाने की ज़रूरत है। युद्ध किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं करता है, युद्ध सिर्फ बर्बादी करता है। ये दिख भी रहा कि वॉर में किस तरह से बर्बादी हो रही है और अगर ये रुकेगा नहीं तो बर्बादी और आगे बढ़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।